हाय गाइस गाइस आज हम फोर्थ क्लास का लिविंग विद नेचर जो बुक है उसका चैप्टर वन पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर वन है ऑर्गन सिस्टम। तो हम इसमें पढ़ेंगे जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, आवर बॉडी हैज़ मैनी ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स वर्क इन अ ग्रुप, ऑर्गन्स जो होते हैं वो ग्रुप में वर्क करते हैं। दीज ऑर्गन्स मेक अ सिस्टम विच इज़ कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ये जो ऑर्गन होते हैं वो एक ऑर्गन एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली आप अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में, ये इंटरनल के रूप में आपकी आ सकती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दीज देयर आर सेवरल सिस्टम इन आवर बॉडी विच वर्क एंड हेल्प अस टू स्टे लिव। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत से सिस्टम है जो हमें ज़िंदा रहने में मदद करते हैं। तो हमारी बॉडी में कितने सिस्टम हैं हम अब ये पढ़ेंगे। आवर बॉडी हैज़ 8 मेजर ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में 8 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, जिस हमारी पूरी बॉडी में 8 ऑर्गन सिस्टम होते हैं और वही ऑर्गन सिस्टम हमारी हमें ज़िंदा रहने में मदद करते। तो कौन से होते हैं, सबसे पहले दीज आर द स्केलेटन सिस्टम, मसल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सिलेटरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो है ये आप लर्न कर ले कि हमारी बॉडी में कौन से होते हैं। ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो फर्स्ट हमारा आता है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो हमारा हम जैसे कि जानते हैं स्केलेटन एक हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा होता है जो कि हमें हमारी बॉडी को एक शेप देता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास उंगली में कोई बोन नहीं होगी तो उसमें ओनली सिर्फ मसल्स रह जाएंगी जिसकी वजह से हमारी उंगली कहीं भी मूव नहीं कर पाएगी, वो ओनली जैसे कि लटक जाएगी वो एकदम से। ठीक है, तो वो अच्छे से हमारी उंगली हम मूव नहीं कर पाएंगे। हम स्केलेटन सिस्टम से ही हम हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मूव हो पाते हैं, इधर से उधर हम चल पाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या है। स्केलेटन सिस्टम इज़ मेड ऑफ बोन्स। स्केलेटन सिस्टम जो है वो बोन से बना होता है। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ 206 बोन्स। हमारी बॉडी में कितने बोन्स होती हैं ये हमारा इंटरनल में आएगा क्वेश्चन, ये वाला लाइन अंडरलाइन कर लें। दीज बोन्स थ्रो फ्रॉम अ फ्रेमवर्क नोन एज स्केलेटन। ये जो बोन्स होती हैं ये एक फ्रेमवर्क करती हैं जिसको हम स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आ सकती है स्केलेटन की, स्केलेटन क्या होता है। ठीक है, स्केलेटन गिव शेप टू आवर बॉडी, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्केलेटन हमारी बॉडी को क्या देता है, शेप देता है। विदाउट द स्केलेटन द बॉडी विल कॉप्स लाइक अ हैप ऑफ फ्लैश। तो हमारी इसका मतलब है कि बिना हम स्केलेटन के हमारी बॉडी में सिर्फ मसल्स बस जाएंगी और ऑर्गन्स, उसकी बिना हम कहीं भी मूव नहीं कर सकते। स्केलेटन ऑल्सो प्रोटेक्ट ऑल द सेफ्टी ऑर्गन्स। स्केलेटन जो होता है वो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको सेफ रखता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ हमारी स्कल है ये। ठीक है, ये स्कल जो होती है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और ये यहाँ पे हमारा हर्ट होता है तो ये जो होती है ये बोन्स जो होती हैं ये हमारी लीवर और हर्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स हैं जो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं मसल सिस्टम। मसल सिस्टम जो होती है वो बोन से अटैच में होती हैं। जो मसल जो होती हैं वो बोन से अटैच में होती हैं, उनसे मिली हुई होती हैं वो। ठीक है, दीज आर अबाउट 650 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 650 बोन्स मसल्स होती हैं जो कि बोन से अटैच होती हैं। ठीक है, मसल्स अलोन विद द बोन्स हैव द बॉडी एंड इट्स पावर टू मूव। मसल्स जो होती हैं वो हमारे बॉडी को हेल्प करती हैं
इधर से उधर जाने में। तो ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है लाइन्स हैं, ये आप भी अंडरलाइन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। तो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले हम वो देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हर्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ ये तीन चीज़ें होती हैं, ब्लड, हर्ट एंड ब्लड वेसल्स। हर्ट पम्प द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हर्ट जो है वो हमारे बॉडी में ब्लड पम्प करता है हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को या फिर पार्ट्स को। ब्लड वेसल्स कैरी द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड ब्लड कैरी करती हैं हमारी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। ब्लड वेसल्स आर ऑफ टू टाइप। ब्लड वेसल कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप की होती हैं। कौन सी? आर्टरी एंड वेन। तो आर्टरी और वेन क्या होती हैं? आर्टरी कैरी ब्लड, प्योर ब्लड, ये वाली जो होती है आर्टरी, ये प्योर ब्लड कैरी करती है, ठीक है। और हैव ऑक्सीजन फ्रॉम हर्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। आपको आर्टरी में दो चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या? एक तो ये पहले तो प्योर ब्लड कैरी करती है और दूसरा कि ये ऑक्सीजन हर्ट से ऑक्सीजन लेती है, ठीक है। और वेंस की क्या है? वेंस हमारे इम्प्योर जो ख़राब ब्लड होता है वो कैरी करती हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लेती है हमारी हर्ट से, और जबकि आर्टरी इससे अपोजिट करती हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट का चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? हमें इतना पता है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि ये हमारे खाने को पचाता है, मतलब खाने को पचाता है, ये खाने को डाइजेस्ट होने में मदद करता है, लेकिन कैसे ये हम अभी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन द डाइजेस्ट ऑफ फूड, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे मैंने बताया कि वो हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट होने में मदद करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? इसकी प्रोसेस पढ़ते हैं, ये कैसे डाइजेस्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। सो पहले तो हमारे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे फूड को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कट कर देता है, ठीक है। जो कि काम हमारा माउथ करता है, हमारा माउथ जो है हम उसको माउथ के अंदर लेंगे, फिर हम उसको च्यूई मतलब उसको हम अच्छे से चबाएंगे दांतों से, टीथ की हेल्प से, और फिर उसके बाद वो खाना जो हम खाना हम निगलते हैं, जैसे जहाँ से हमारा गर्दन से नीचे जो खाना जाता है हमारे स्टमक तक, वो जो जो पाइप होती हैं उनको हम फूड पाइप कहते हैं। उसके बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड द न्यूट्रिएंट कॉल कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। यही जो प्रोसेस मैंने आपको बताई यही कहलाती है डाइजेशन, ठीक है। अब ये है, हाँ, जो हमारा फूड जो होता है वो हमको एनर्जी देता है, ठीक है। फूड इज डाइजेस्टिव बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डेट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा ग्रुप फूड जो होता है वो अलग अलग पार्ट में जाता है, ग्रुप्स में जाता है, जिसकी जिससे वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये जो प्रोसेस में ये जो आपका यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया गया है पूरा, ये आपको मैं प्रोसेस डायग्राम से समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मैं पढ़ती रहूँगी बट आपको समझ में कम आएगा। अगर आपको डायग्राम के थ्रू बताऊँगी तो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट बिना करें हम आगे चलते हैं। तो ये है हमारा माउथ, ठीक है। ये हमने यहाँ से खाना खाया, ये अंदर गया, ठीक है। यहाँ पे टीथ काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टीथ ने वर्क किया हमारा, तो वो स्मॉल पीसीज में होते हुए नीचे चला गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, ये इतना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा टीथ वर्क करते हैं, हमने खाया। ये थोड़ी राइटिंग ऐसी आ रही है बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने खाया, और ये जो होती है ना ये विंड फूड पाइप होती है, ठीक है। ये जो होती है फूड पाइप होती है, फूड पाइप के थ्रू हमारा यहाँ से फूड गया अंदर, और यहाँ से हमारा
स्टमक में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, ये पूरी हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। तो हमारा खाना यहाँ पे कुछ समय के लिए डाइजेस्ट होगा, जो अच्छी अच्छी जो चीज़ें होंगी, अच्छी जो चीज़ें होंगी वो तो हमारी बॉडी के पार्ट्स में चली जाएंगी, ठीक है। और जो बेकार जो चीज़ें होंगी वो हमारा टॉयलेट के थ्रू चली जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला पूरा प्रोसेस आपका इस पैराग्राफ में था और ये हो चुका है फिनिश। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारा सांस लेने की प्रोसेस होती है, कि हम कैसे सांस लेते हैं, वो कहाँ से जाती है, इस प्रोसेस से, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका जो होता है, ये जो ऑर्गन्स, ये भी एक ऑर्गन है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन होता है ये हमारी हेल्प करता है ऑक्सीजन को सप्लाई करने में, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचाने में, ठीक है। तो ऑर्गन इंक्लूड नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। इसमें तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन सी कौन सी? नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, ठीक है। नोज से, जैसे मैं अभी डायग्राम पे बताती हूँ आपको, ये डायग्राम हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हमने नोज से सांस ली, ठीक है, ऑक्सीजन ली। ये जो हमारी होती है ये विंड पाइप होती है, ठीक है, विंड पाइप। तो ये हमारी लंग्स होते हैं, ठीक है। तो विंड, यहाँ से हमारी ये प्रोसेस गई, नोज से हमने लिया पहले, नोज से लिया, फिर विंड पाइप के थ्रू फिर हमारी लंग्स में गई, और फिर इसके बाद हमारी अदर पार्ट ऑफ बॉडी, हमारी अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में चले जाएगी। ये पूरा आपका जो ये था, ये पूरा इसमें यही था इस पैराग्राफ में, और बाकी कुछ नहीं है। व्हेन वी ब्रीथ इन आवर आवर लंग्स एक्सपेंड। जब आप सांस करते होंगे, आपने एक बार आई थिंक नोटिस किया होगा कि जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये दिया हुआ है, जब हम अंदर लेते हैं सांस तो वो सिकुड़ जाते हैं, और जब हम बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो वो फैल जाते हैं, ठीक है। तो वो बैक टू अपनी पोजिशन में वापस आते हैं। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड द टेकन टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। आपने ये तो देख लिया कि भाई हम हाँ सांस लेते हैं, हम हमारे लंग्स तक पहुँचते हैं सांस, लेकिन लंग्स में पहुँचने के बाद कैसे हमारी बॉडी कैसे काम करती है वो अब हम पढ़ेंगे। हम वो जो हमारी जो ऑक्सीजन हमारी लंग्स में होती है, वो ऑक्सीजन ना ब्लड में मिक्स जाती है, जो हमारे अंदर ब्लड होता है उसमें ना मिक्स हो जाती है, और वो ब्लड फिर हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करते हुए हमारी सारी बॉडीज में पहुँच जाता है। इसके प्रोसेस की मदद से हमारा जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे हर बॉडी पार्ट में चली जाती है, ठीक है। तो यही हमारी जो होती है रेस्पिरेशन कहलाता है। फूड गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर ब्रीथ बर्निंग। फूड जो होता है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है जलने के बाद, ठीक है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अगेन कैरी टू द लंग्स बाय द ब्लड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये अगेन कैरी होता है लंग्स से ब्लड के थ्रू, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ आवर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जो हम एयर जो हम ब्रीथ करते हैं और उस वाटर वेपर के थ्रू, वो हमारी प्रोसेस टेकिंग एयर जो होती है इनटू लंग्स एंड सेंडिंग इनटू आवर अदर टू द नोज इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो हमारी जो ये प्रोसेस होती है ब्रीथिंग कहलाती है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सरेटरी सिस्टम। एक्सरेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। देर आर मैनी थिंग्स गोइंग ऑन इनसाइड द ब्लड विच लीड्स टू द प्रोडक्टिव ऑफ वेस्ट मटेरियल। इसमें आपको ना कुछ भी, मतलब ये बिल्कुल सबसे ईजी है, ये वाला जो हमारा आया है ना ऑर्गन, ये सबसे ईजी है। इसमें आपको सिर्फ समझने की बात है, आपको समझ लोगे तो कुछ नहीं है। इसमें क्या है देखिए, ये जो हमारा जो ये सिस्टम होता है, इसमें सिर्फ दो तीन चीज़ें हैं जो हमें याद करनी होती हैं,
ठीक है, तो इसमें पहले रीड करते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन। दीज आर मैनी थिंग्स गोइंग इन ऑन इनसाइड द बॉडी वी गेट लीड्स टू द प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। इसका मतलब है कि जो हम जो खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है। स्टमक में जाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो तो हमारा अलग चला जाता है, और जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी को लग जाती है। इसमें सिर्फ आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है। एक्सरेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आर बॉडी। वही बात जो मैंने अभी कही, ये जो सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी के गंदे जो गंदा जो खाना होता है वो रिमूव अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है कि भाई एक तरफ अच्छा खाना एक तरफ बुरा खाना, ऐसे ये डिवाइड करने में मदद करता है, ठीक है। किडनी आर बीन शेप्ड स्ट्रक दैट हेल्प टू कीप आवर ब्लड क्लीन। किडनी जो होती है वो हमारे ब्लड को क्लीन साफ रखने में मदद करती है। ये आप ध्यान रखनी, कौन हेल्प आपको इंटरनल में आएगी, हमारे ब्लड को क्लीन करने में कौन हेल्प करती है, तो आंसर होगा किडनी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नर्वस सिस्टम, वी नो डैट दीज आर मैनी सिस्टम इनसाइड आवर बॉडी। हमें पता है कि हमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं। दे ऑल हैव टू वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव। हु टेल्स देम व्हाट्स ग्रुप्स दैट शो डू व्हाट कॉन्टैक्ट देम यस द ब्रेन। इसका मतलब है ये हमारे ये जो सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम ये हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। कैसे, अब मैं बताती हूँ आपको डायग्राम से। ये देखिए, अब एक बार डायग्राम समझ लेना, आपको रीडिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, आपका मान लीजिए यहाँ पे फायर लगी है, ठीक है, तो आपके यहाँ पे हाथ जल गया आपका, तो आपका ब्रेन आपको मैसेज देगा कि आपका हाथ जल रहा है, आपका हाथ हैंड बर्न हो रहा है, तो आप उसको तुरंत से अपर कर लेंगे, मतलब ऊपर कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ऊपर कर लेंगे तो इससे क्या हुआ कि आपने आपके जो ब्रेन था वो आपको मैसेज कर रहा है कि हाँ आपका हैंड बर्न हो रहा है, ठीक है। तो एक तो बात इसमें आपको नोटिस करनी है, ये ब्रेन ऑर्डर्स ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो होता है वो हर पार्ट को ऑर्डर देता है, क्योंकि वो ब्रेन जो होता है ना सबका मास्टर होता है। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं ना, ये तो ब्रेन तो सर हो गया और बाकी के पार्ट्स हो गए स्टूडेंट, तो वो सबको ऑर्डर देता है कि तुम ये काम करो। अगर तुम्हारा हाथ जल रहा है तो ब्रेन जो होता है वो आपको ऑर्डर देता है कि अपने हाथ को हटाओ वरना आपका हैंड बर्न हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये वाला मैंने आपको बता दिया है कि इसमें यही दिया हुआ है कि इसमें एक छोटी सी स्टोरी दे दी है लाइक कि भाई एक बच्चा है वो भाग रहा है तो उसके पीछे डॉग है, तो उसको तेज़ भागना है कम भागना है, इस टाइप से कुछ। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, अब हम आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट बेसिस। मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन इट इज़ द सिस्टम विच मे लाइफ ऑन द अर्थ। ये जो सिस्टम होता है ये हमारी मदद करता है अर्थ पे जिंदा रखने के लिए, ठीक है। अब ये फिलअप्स हैं कुछ, मैंने आपको ये करवाए थे कि हमारी वो हमारा ह्यूमन की मैन की बॉडी में कितनी बोन्स होते हैं 206। मैसेज आर कैरी थ्रू द डैश। मैसेज जो होता है वो किससे कैरी किया जाता है, नर्वस से, ठीक है। और की एंड किडनी एंड स्किन आर द पार्ट ऑफ डैश सिस्टम। किडनी और जो स्किन है वो कौन से पार्ट का सिस्टम है, एक्सरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अब हमारे ये है, ये फैक्ट फाइल दी हुई है, ये आपके एक्सरसाइज आती है MCQ। मस्कुलेटरी सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ बोन एंड मसल्स, ठीक है, बोन एंड मसल्स। टोटल नंबर ऑफ बोन्स, हमारी बॉडी में बोन्स की संख्या क्या है, 206। द ऑर्गन सिस्टम हेल्प इन द डाइजेस्ट फूड। आपको डाइजेस्ट फूड का याद रखें, डाइजेस्ट फूड कौन कराता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ब्रेन का किस चीज़ में काम होता है, नर्वस सिस्टम में काम होता है। और ब्लड कैरी, ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरी कैरी करती है, ठीक है। तो अब ये फिलअप्स आ गए। डैश प्रोडक्ट ऑल, हमारी बॉडी में कौन जो है वो हमारे
सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है स्केलेटन। हम तो अब्जॉर्ब नेचुरल डैश टू द बॉडी, जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो हमारी बॉडी को कैसे मिलती है, एनर्जी से, ठीक है। द हेयर इन द नोज, जो हमारी जो नोज में जो हेयर होते हैं वो हमारी क्या हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं कि हमारा जो हम सांस ले रहे हैं, जो एयर में जो गंदगी है वो हमारे हमारे उस सांस के थ्रू हमारे अंदर ना जाए, तो वो हमारी हेल्प करते हैं डस्ट डस्ट को क्लीन करने में, ठीक है। डैश आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर को किडनी, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिप्रोड्यूस द प्रोडक्ट बेबीज, ठीक है। ये जो होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये रिप्रोड्यूस होता है बेबीज को बॉर्न करने में, ठीक है। तो ये आपके ट्रू फॉल्स। लंग थ्रू आउट एक्सपिरेटरी वाटर एज स्वीट, नहीं, लंग्स जो है वाटर को एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। तो ये बाकी आपके ट्रू हैं। इसमें है देखो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, फोर्थ में पढ़ा रही हूँ आपको, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन और सेंडिंग आउट ऑफ एयर, जो हम जो एयर को बाहर सेंड करते हैं वो कौन सी प्रोसेस होती है, ब्रीथिंग। हाँ जी सही है, ये हमारा एट जॉइनिंग टू द बोन्स, बोन्स जॉइनिंग ओवर एन अनदर, यस। लंग्स थ्रू आउट एक्सेलेटरी ऑफ इट फॉल्स, है मैसेज फॉर फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स टू द ब्रेन थ्रू द नर्वस, यस। तो यहाँ हमारी मैचिट आती हैं, तो ये मैचिट है। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, लंग्स होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम में क्या होती हैं, बोन्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि स्केलेटन सिस्टम तो पूरी बोन से ही बना होता है ना। सो अब हमारा नेक्स्ट है, एक्सेलेटरी सिस्टम में किडनी होती हैं और सर्कुलेटरी में आर्टरीज होती हैं। तो ये गाइस हमारा ये चैप्टर बहुत ही इजी है। अगर आपको इसको आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।